संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा मुखी दमदमे टकसाल अते प्रधान संत समाज जी वालों मानयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी गई है। इस विच उन्होंने लिखा है कि आप जी ने सिनेमा बेनती है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साका ननकाणा साहब के शहीदी साके की 100 साल शहदावरी मनाने वास्ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब के हजूरी रागी जथे वड्डे पद्धर उत्ते सिख संगत श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहबान जथेदार श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई हेठ भेजन की तैयारी की गई सी। इसलिए पाकिस्तान वालों वीजे भी जारी कर दिए गए सन। ये जत्थे ने 18 फरवरी वाघा बार्डर के राही ननकाणा साहब विखे जाना सी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी वड्डे पद्धर से तैयारियां की गई सन, परंतु भारत सरकार वालों पंजाब दे वालों किसान संघर्ष में मोहरी रोल अदा किए जाने करके अपनी नापाक जहनीयत का सबूत देते हुए जत्थे जाने की प्रवानगी नहीं दी, जदों के पिछले समय तो जत्थे जा भी रहे हैं। भारत के भी वक् वक् थावां उत्ते चोणां भी हो रही हैं और वड्डे समागम भी हो रहे हैं। इस तो कुछ समय बाद आ रहे कुंभ के मेले की आग्या भी दी जा चुकी है, इस विच लखां लोगों ने शामिल होना है, परंतु साका ननकाणा साहब के शताब्दी समागमों के जथे ने कोरोना और सुरक्षा के बहाने रोक के जिथे सिख संघ दी भावनावां नूं वड्डी ठेस पहुँचाई है उत्थे सिखां दे धार्मिक अकीदे नूं प्रभावित करन दा यतन किया। उत्थे श्रोमणी कमेटी और जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी के अहुदे की महानता की भी तौहीन करन दी कोशिशा की गई है। इस संबंधी समुचियां सिख जथेबंदियों ते संपर्दावां आप जी नूं बेनती कर दियां हन कि जल्दी तो जल्दी पंच सिंह साहिबान की मीटिंग बुला के योग कार्रवाई की जाए, ना दे नाल ही भारत सरकार नूं भी ताड़ना की जाए कि अजिहां कार्रवाइयां तो बाज आवे जिन्हां दे नाल धार्मिक अकीदियां नूं केंद्र सरकार वालों जानबुझ के ठेस पहुँचाई जा रही है और घट गिणतियां नूं दबाउण दीआं चालां चलीआं जा रहीआं ने। इस दे नाल ही समुचे संसार नूं भी बेनती करनी चाहुंदे हां कि केंद्र सरकार दे इस फैसले की निंदा की जाए। इस दे अलावा कौमांतरी पद्धर ते दबाव बनाया जाए जिस दे नाल सरकार नूं अपना फैसला वापस लैणा पवे। संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा मुखी दमदमे टकसाल अते प्रधान संत समाज जी वालों मानयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी गई है। इस विच उन्होंने लिखा है कि आप जी ने सिनेमा में बेनती है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साका ननकाणा साहब के शहीदी साके की 100 साल शहदावरी मनाने वास्ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब के हजूरी रागी जथे वड्डे पद्धर उत्ते सिख संगत श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहबान जथेदार श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई हेठ भेजन की तैयारी की गई सी। इसलिए पाकिस्तान वालों वीजे भी जारी कर दिए गए सन। ये जत्थे ने 18 फरवरी वाघा बार्डर के राही ननकाणा साहब विखे जाना सी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी वड्डे पद्धर से तैयारियां की गई सन, परंतु भारत सरकार वालों पंजाब दे वालों किसान संघर्ष में मोहरी रोल अदा किए जाने करके अपनी नापाक जहनीयत का सबूत देते हुए जत्थे जाने की प्रवानगी नहीं दी, जदों के पिछले समय तो जत्थे जा भी रहे हैं। भारत के भी वक् वक् थावां उत्ते चोणां भी हो रही हैं और वड्डे समागम भी हो रहे हैं। इस तो कुछ समय बाद आ रहे कुंभ के मेले की आग्या भी दी जा चुकी है, इस विच लखां लोगों ने शामिल होना है, परंतु साका ननकाणा साहब के शताब्दी समागमों के जथे ने कोरोना और सुरक्षा के बहाने रोक के जिथे सिख संघ दी भावनावां नूं वड्डी ठेस पहुँचाई है उत्थे सिखां दे धार्मिक अकीदे नूं प्रभावित करन दा यतन किया। उत्थे श्रोमणी कमेटी और जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी के अहुदे की महानता की भी तौहीन करन दी कोशिशा की गई है। इस संबंधी समुचियां सिख जथेबंदियों ते संपर्दावां आप जी नूं बेनती करदियां हन कि जल्दी तो जल्दी पंच सिंह साहिबान की मीटिंग बुला के योग कार्रवाई की जाए, ना दे नाल ही भारत सरकार नूं भी ताड़ना की जाए कि अजिहां कार्रवाइयां तो बाज आवे जिन्हां दे नाल धार्मिक अकीदियां नूं केंद्र सरकार वालों जानबुझ के ठेस पहुँचाई जा रही है और घट गिणतियों नूं दबाउण दीआं चालां चलीआं जा रहीआं ने। इस दे नाल ही समुचे संसार नूं भी बेनती करनी चाहुंदे हां कि केंद्र सरकार दे इस फैसले की निंदा की जाए। इस दे अलावा कौमांतरी पद्धर ते दबाव बनाया जाए जिस दे नाल सरकार नूं अपना फैसला वापस लैणा पवे।